टीना जी, एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जय भीम। टीना जी, आजकल ये जो महिलाओं को कहा जाता है, जो भी चुनाव लड़ते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन ये कहीं भी किसी तरीके से महिलाओं की रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर, इसमें देखिए, ये जब भी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले ये दावा करती है कि जिस तरीके से जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक ऐसा कानून प्रशासन लागू करेंगे जिससे कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जो वर्तमान सरकार में महिलाओं के साथ, खासकर दलित महिलाओं के साथ एट्रोसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं, और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरा दलित महिलाओं पे ही रिसर्च है, तो उसमें क्या है कि उसमें हमें पाते हैं कि देखते हैं कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर दलित महिलाओं के साथ एट्रोसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको शो नहीं कर रहा है। और वहाँ पर देखिए कि मानुश्री छिल्लर और इनकी न्यूज़ ज़्यादा दिखाई जा रही है, ना कि जो ये रेप और इस तरीके की, ताकि सरकार नहीं चाहती है कि भाई लोगों तक ये बात पहुँचे कि कितना एक भय का वातावरण तैयार हो रहा है देश के अंदर। तो मेरा यही मानना है कि भाई कि देश के अंदर जो ये माहौल पैदा हो रहा है उसको सरकार जब दावा तो करती है, लेकिन उसको पूरी तरीके से क्यों लागू नहीं कर पा रही है लॉ एंड ऑर्डर को। टीना जी, अभी देखा गया कि अभी जो बजट आया था कि एजुकेशन पे रोकथाम की जा रही है, अगर 70-30 का रेशो है कि 70 गवर्नमेंट देगी, 30% यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से देगी, तो 30% का मतलब है कि जो स्टूडेंट हैं उन पर फीस बढ़ाई जाएगी, तो जो गरीब तबके लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो अपनी एजुकेशन कैसे पाएंगे? जी, तो ये जो ये वर्तमान सरकार है ये नहीं चाहती कि, क्योंकि जो दलित स्टूडेंट्स हैं या वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और वो ये इस तरीके का एक वो बन गया है कि एजुकेशन पे जितना ध्यान नहीं दिया जाएगा वो ठीक है, वो क्योंकि जितना एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा लोग आगे बढ़ेंगे, राजनीति में आने के सोचेंगे युवा वर्ग है जो, लेकिन जिस तरीके से रिसर्च में या स्कूल के एजुकेशन में बजट को काटा गया है, तो इसका पीछे उनका जो मेन मोटो है कि भाई जितना हो सके हम एजुकेशन देंगे ही नहीं, और एक तरीके का उनको इस तरीके से किया जाएगा कि उनका वो मनोबल है वो तोड़ना चाहते हैं ये लोग। अभी निर्भय मोदी जी, माल्या जी और अन्य ललित मोदी जी भारत से इतना वो नोट लेके जा रहे हैं, और फिर क्या उम्मीद की जाती है कि ये वापस आएंगे क्या? सर, ये इन लोगों का सब प्लान्ड होता है कि गवर्नमेंट इनका पूरा सपोर्ट कर रही है। जी, हाँ। वर्तमान सरकार इनके साथ पूरी तरीके से मिली हुई है, जिसकी वजह से ये सब इनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज कोई एक आम नागरिक नहीं सोच सकता है ये इतने बड़े स्कैम करना, इतने बड़े पैसा लेके दूसरी कंट्री में चले जाना, ये एक आम आदमी नहीं सोच सकता है, क्योंकि उनके जब हमारे साथ सरकार इस तरीके की सपोर्ट कर रही है उनके साथ, तो वो तो ये सब करेंगे ही ना। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, दूसरी तरफ कैशलेस इंडिया को करेंगे, तो एक तो पंजाब नेशनल बैंक होगी, एक ओरिएंटल बैंक जो कैशलेस होगी, और उनका नंबर है। जी सर, तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहती हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहती हैं एजुकेशन के संबंध में? एजुकेशन, एक तरफ से देखिए गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से गुमराह कर रही है लोगों को, कि हर बार नई नई स्कीम निकाल रही है डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया के बारे में, या फिर कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकाल देती है कि लोग जो है, आम नागरिक जो है, वो भूल जाते हैं कि ठीक है अभी तो उज्ज्वला योजना चलाई है, उसके बाद दूसरी योजना आ गई है, और एक योजना आती है कि लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है प्रॉपर वे में, और दूसरी स्कीम लागू कर देती है, लॉन्च कर देती है, और वो भी बहुत ही इतने धूमधड़ाके से कि भाई हाँ बहुत अच्छे से काम हो रहा है, हालांकि काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक तरीके का डाटा दिखाया जा रहा है कि भाई हमारी वर्तमान गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम चलाई है जो लास्ट गवर्नमेंट है वो नहीं चला पाई है। तो मेरा यही कहना है कि हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, विशाल धरना प्रदर्शन, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को बता सके कि भाई हमारे समाज के, दलित समाज के साथ जो एट्रोसिटी हो रही है, जिस तरीके से इलाहाबाद में दलित लड़के सरोज को मारा गया है, तो ये अब हम सहन नहीं करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम आपके ही चैनल के माध्यम से सरकार को ये आह्वान करना चाह रहे हैं कि अब हम ये अत्याचार और ज़्यादा नहीं सहेंगे, और ये जो है कि अब हम स्कीम और इन पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय हमारे मुद्दों को सुना जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवाद।